इस टाइम में क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। हाय बोल देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं इस वक्त इसीलिए आपके आपके पास आप लोगों के पास आई कि शायद आप लोग मेरा सैड सा मूड थोड़ा ऑफ कर दे। सॉरी, सैड सैड सा मूड थोड़ा ठीक कर दे। मैं मतलब ऐसे आश्चर्यचकित हो गई हूँ। अभी मैं एक पिक्चर देख के आ रही हूँ, कलंक। वो पिक्चर देख के मेरा ऐसे सर घूम गया है कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ही पता नहीं। मैं पहले ये बात बता देती हूँ, अगर कोई भी टिकट बुक किया है उसे अभी कैंसिल करवा दे, चाहे जितना भी आपको रिटर्न मिले। रिटर्न मिले भी ना, पर आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। कम से कम 200 रुपये की एक टिकट देख के आप मूवी देखने जाएंगे और इतना बड़ा सर दर्द लेकर बाहर आएंगे। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। तो अब चलिए उस मूवी के बारे में कुछ बात करते हैं। ये मूवी कम से कम 3 से 3.5 घंटे की है। उस बीच आपको बस 10 से 15 गाने, तकरीबन 2 घंटे तक आपको गाना देखने ही देखने को मिलेगा। अगर किसी को मूवी में स्टोरी चाहिए होगा तो उससे स्टोरी से ज़्यादा गाने ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। अगर आप पिक्चर के पोस्टर पे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित और सोनाक्षी सिन्हा इन सब की बड़े बड़े पोस्टर देख के चले जाइएगा कि इसमें उन सबको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर उस पिक्चर में आलिया भट्ट और वरुण धवन का और वो 2 घंटे के गानों गानों के बीच में कुछ फुर्सत मिल जाए तो इन्हें दिखा दिया जाता है बस। और आपको इसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की कोई केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको ओवरली लोगों के जितने एक्सपेक्टेशन होते हैं ना मूवी देख के, वो ही मैं पहले दूर करना चाहती हूँ। जो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहाँ पे उल्टा है, बड़ा पैकेट छोटा धमाका। शायद धमाका हो ही ना, बस फूटना शुरू होते, जैसे हम आग लगाते हैं, सुर 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 के बंद हो जाता है, बस ये पिक्चर वैसा ही है। मतलब किसी को अगर बुराई भी करने दो तो वो बुराई भी नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा लोग तो थिएटर से हाफ में ही जा रहे थे। मैं बस इस मूवी का रिव्यू देना चाहती थी, इसीलिए मैं वहां पे बैठकर 3.5 घंटे तक मैं अपना सर गरम करके आई हूँ। मैं आई ऐसा मेरा सर फट रहा था कि बैठी मैं किसके साथ अपना ये दर्द शेयर करूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। टाइम देखेंगे, रात के 12:30 बज रहे हैं अभी। कल सुबह उठकर अगर कोई ये पिक्चर देखने चला गया तो भाई खत्म हो गया। तो चलिए उस मूवी के स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये स्टोरी है 1946 की, ऐसा बताया गया है मूवी में, जहाँ के एक एक तरफ एक देश में एक तरफ जहाँ पे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पे करण जौहर को कहाँ से एक लव स्टोरी मिल गई जो कि आजादी की स्टोरी से भी ज्यादा, मतलब आप अगर इसे एक तराजू में तोलेंगे ना, ऐसा दिखाया गया है कि एक आजादी की लड़ाई जितनी जैसी थी, ये कोई आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। और उस बीच संजय दत्त एक प्रिंटिंग प्रेस के ओनर है। वो उस पेपर का नाम कुछ दिल्ली टाइम्स के नाम से है। और वहाँ पे उस टाइम पे आजादी की लड़ाई या जहाँ पे लड़ी जा रही है इस पिक्चर में, जहाँ पे आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है उस पेपर में, वहाँ की एक आयरन मंडी का न्यूज़ छापना बहुत जरूरी है।
वो वहाँ वहाँ पे फ्रंट पेज पे छपना बहुत जरूरी है। और एक तरफ आदित्य रॉय कपूर है, संजय दत्त जी के बेटे, वो विदेश से पढ़ाई करके आते हैं, उनकी शादी कर दिया जाता है सोनाक्षी सिन्हा से। सोनाक्षी सिन्हा नॉर्मली तो अच्छी लड़की है, पर उनका एक प्रॉब्लम है, वो अपनी पति के लिए लड़कियां खरीदती है। और आलिया भट्ट को उन्होंने 1 साल के लिए अपने पति के लिए खरीदा है और उनसे उनकी शादी करवा देती है। आलिया भट्ट उनसे क्यों शादी करवाती है? क्योंकि उनकी दो बहनें हैं जो उनकी शादी करवानी है। पर उस आलिया भट्ट पढ़ी लिखी है, पर उन्हें एक एक शादीशुदा आदमी से 1 साल के लिए शादी करना है, उनकी दो बहनों की फ्यूचर के लिए। अरे भाई, ये कहाँ की बात है? करण जौहर जी को ये बातें दिमाग में आती कहाँ से है? थोड़ी तो लॉजिक लगाया कीजिए। और माधुरी दीक्षित, वो एक उसी आयरन वो उस पिक्चर में जो मैंने पहले बताया था ना, वहाँ के जो एक आयरन मंडी है, वहाँ की पुरानी एक दवायफ है, वो अभी लोगों को गाना सिखाती रहती हैं। और आते हैं वरुण धवन, वो है उसी मंडी के एक एक आदमी जो कि अनाथ है, उनकी ना माँ का ना बाप का कोई अता पता नहीं। तो लव स्टोरी कहाँ पे आती है? क्या है कि आलिया भट्ट और वरुण धवन की लव स्टोरी आती है। वो उनकी दूसरी बीवी होती है, उन्हें आलिया भट्ट को जब प्यार की जरूरत महसूस होती है तभी आ जाते हैं वरुण धवन। उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई है, जिसका कोई ना ही मतलब क्या बताएं, मूवी देख के कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, सिर्फ बकवास घटिया ऐसा ही बताने का मन कर रहा है। और वरुण धवन एक ऐसे ऐसे मूडी इंसान है, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो उस टाइम का कुछ WWF टाइप का है, वहां पे जाके फाइटिंग कर लेते हैं। अगर मूड आए तो उस मंडी के कुछ लोग कुछ औरतों के साथ डांस कर लेते हैं। उनका जब भी जो मूड होता है उसी वहां पे वही सीन क्रिएट हो जाता है। और हाँ, आपको यहाँ पे संजय लीला वंशाली जैसे बड़े बड़े सेट्स दिखाई देंगे, और बाहुबली की तरह बड़े बड़े इफेक्ट्स दिखाई देंगे। पर ये पिक्चर तो फ्लॉप तो हो गया, पर हाँ, करण जौहर जी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनका फॉक्स फॉक्स स्टूडियो का उन्होंने तो मूवी बेच दिया। अब सर सर पीट रहे हैं, 4,000 स्क्रीन में जो लॉन्च हुए ना, वो थिएटर वाले सर पीट रहे हैं अभी। क्या करें, रिलीज उसमें तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए कम से कम तो खर्च हुए हैं, पर उसका रिलीज से पहले ही ऑनलाइन सोशल मीडिया में ही उसका 70 से 80 लाख तक इनकम हो गया। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कि थिएटर वाले जो इतना सर पीट रहे हैं। हाई बजट पिक्चर है, पिक्चर का रेट कम, टिकट के रेट कम नहीं कर सकते। कौन मूवी के रिव्यू देखकर कौन जाएगा 200 रुपए का मूवी देखने? उससे तो अच्छा है हम कोई भी मूवी में, सॉरी, कोई भी पुरानी पिक्चर देख लें, संजय लीला वंशाली की जो, तो कोई भी सीडी लगा के देख लें, यूट्यूब पे हम पिक्चर देख लें। कोई पिक्चर क्यों देखने जाता है? टाइम पास के लिए। जिसको टाइम बर्बाद करना है वो जाइए ये पिक्चर देखने। ये पिक्चर देखे मुझे एक बात माइंड एक बात आई मन में, क्या है कि कलंक मूवी पे कलंक लग गया। आप मेरी ऐसे ही पिक्चर्स पर रिव्यू पाते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मैं पिक्चर से आई और आपको मैं अपना रिव्यू इसीलिए बता रही हूँ, कहीं मैं अभी जिस फोर्स में हूँ ना, अगर सो के उठ जाऊंगी तो वो चला जाएगा, इसीलिए मैं अभी आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। मेरे मेरे पास एक एक आदमी बैठे थे, एक अंकल जी बैठे थे, क्या है ये पिक्चर, क्या है, मतलब आप हंसना भी चाहे तो हंस नहीं सकते, रोना भी चाहे तो स्टोरी को समझते समझेंगे तभी तो रोएंगे ना, कुछ नहीं है पिक्चर में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2 से 4 साल पहले एक पिक्चर आया था, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह या रणवीर कपूर शायद, सॉरी हीरो का नाम मुझे याद नहीं, वो जैसे सुपर डॉपर फ्लॉप हुआ था, वो भी करण जौहर का ही पिक्चर था, ये भी सेम उस लेवल, एक 19 तो 1 20। बस हाँ, इसमें आपको स्टार कास्ट अच्छा है, और आपको अगर कॉस्ट्यूम वाइज देखे तो बहुत ऑसम है, और हाँ आपको ओवरऑल पिक्चर में मुझे आलिया भट्ट, मतलब उनका तो जवाब ही नहीं, उनका तो कोई भी पिक्चर में उनका तो जवाब ही नहीं। और एक अच्छी चीज देखने को मिला, एक सरप्राइज देखने को मिला, आदित्य रॉय, मतलब वो अपने कैरेक्टर को फाड़ रहे थे, सिंपली सुपर्ब थे। मैं इस मूवी को 5 स्टार में से अगर मुझसे कोई पूछे तो 5 स्टार से सिर्फ 2 स्टार ही दूंगी, ओनली फॉर कॉस्ट्यूम, आदित्य रॉय कपूर एंड आलिया भट्ट एंड नथिंग। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय एंड गुड नाइट।